गुड नून मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर कॉलम्स। स्क्वायर कॉलम्स में नीचे सेक्शनल व्यू है ये वाला आपके सामने, और ऊपर जो है वो है प्लान। सबसे पहले मैं सेक्शन आपको समझाऊंगा, इसके ही जरिए आपको प्लान भी समझाऊंगा। आपको मैंने पहले भी कभी पहले बताया है कि जो सेक्शन होता है आप इसी से ही प्रोजेक्शन लेकर के प्लान भी बना सकते हैं, और प्लान से ही प्रोजेक्शन लेकर सेक्शन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो हम सेक्शन को लेकर के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन का समझना ज़रूरी है, फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपकी ये एक स्क्वायर कॉलम है। स्क्वायर कॉलम में ये सामने से, क्योंकि फ्रंट व्यू है एक तरह से, तो फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ इसकी विड्थ दिखाई देगी, इसकी गहराई जो है वो ऐसे दिखाई देगी इसमें। तो यहाँ पे जो है सबसे नीचे जो है आपका वो कंक्रीट का बेड है। कंक्रीट का बेड जो है वो सीमेंट कंक्रीट बेड है। 1:4:8 का रेशियो है इसमें, जिसमें सीमेंट, बालू और कंक्रीट है। इसके बाद इसके ऊपर 15 बार्स डली हुई हैं, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। 15 बार्स हैं 12 mm की, बोथ फेज बार हैं ये। बोथ फेज का मतलब होता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, दोनों तरह से गई हुई बार्स। नंबर्स इनके सेम है, 15 ऐसे और 15 ऐसे। तो इसके अलावा फिर आप जब ऊपर बढ़ेंगे तो ये आपका वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, और इसके बाद इसको बाइंड करने के लिए ये टाई बार्स हैं। टाई बार्स जो होती हैं इनको बाइंडिंग का काम करती हैं, इनको बांध के रखने का काम करती हैं, और इनकी आपस की सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होती है वो आप पूछ रहे थे। तो सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होती है वो ऐसे होती है कि इसका डाया है वो है 6 mm, ये आप देख रहे हैं 6 mm इसका डाया है। 6 mm डाया से इसके सेंटर से, इसके सेंटर की डिस्टेंस है वो 250 mm है। इसके आगे फिर ये आपका 4 nodes, यानि कि ये वाली जो 4 bars हैं, ये यहाँ पे ये 4 bars हैं, 4 nodes 16 mm, ये जो 4 bars हैं ये 16 mm वाली हैं, ये वाली। इसके बाद में है ये साइड वाली बार्स, वो हैं 4 nodes 20 mm। नंबर ऑफ बार्स जो हैं वो 4 हैं, 20 mm की बार्स हैं, 1, 2 से 4 तक। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4। ये वाली जो आउटर हैं ये बॉक्स वाली हैं, और ये जो 5, 6, 7, 8 वो ये वाली हैं जो बीच में ऐसे दिखाई देगी। अब जब आप यहाँ से प्रोजेक्शन भी लेके जाओगे तो बीच वाली जो बार है ये सामने की तरफ में यहाँ पे आएगी, और जो साइड वाली है वो ये वाली बार्स है, ये वाली बार्स है। इसके बाद में इसमें कवर है ऊपर की तरफ में, साइड से ये कवर है। रेनफोर्समेंट को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर ये कवर ना करा जाए तो रेनफोर्समेंट कॉरोड हो जाता है। ये आपके सभी बीम्स में, कॉलम में, स्लैब में, सभी में कवर दिया जाता है, अलग अलग तरह से इनका नाम रखा जाता है, प्लेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये एंड में है तो एंड कवर, ऊपर है तो टॉप कवर, नीचे है तो बॉटम कवर, इसी तरीके से। देन हम आगे इसका ये जो जॉइंट है ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब कॉर्नर्स पे, जब बीम का कंडीशन होती है तो बीम की कंडीशंस में कॉर्नर्स पे शीयर फोर्स मैक्स होता है, तो इसलिए हम कॉर्नर्स में जो बार्स इस तरीके से बैंड करते थे वो कॉर्नर्स में करते थे जब यहाँ पे इस साइड पे वॉल होती थी। अब यहाँ पे क्या है, जब जो फोर्स आ रहा है वो बीच में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर की तरफ में रेनफोर्समेंट है, ये ऊपर की तरफ में रेनफोर्समेंट मैक्स है, क्योंकि इसको जो फोर्स आएगा वो इसको इस तरीके से बैंड करेगा। मतलब ये जो ऊपर वाला बीम है आपकी वो ऐसे, मतलब ऐसे कर्व में बेंट होने की संभावना होगी, तो ऊपर की साइड में टेंसाइल फोर्स की वजह से इसको ऊपर की तरफ में मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट है वो मैक्सिमम रखा जाता है। इसके बाद में ये जो लाइन जा रही है डॉटेड, ये आपकी स्लैब लाइन है। स्लैब लाइन मतलब इस, ये जो है आपकी बीम है, बीम के ऊपर सपोर्टेड होगी स्लैब, और स्लैब के बाद में फिर ये आपका प्लान है। प्लान में क्या है कि प्लान में जो 2.5 मीटर इस तरीके से है, 2.5 मीटर इस तरीके से है, और जो बीच में है ये आपका ये वाला हिस्सा है, ओके। और ये जो केजिंग आपको दिख रही है ये वाली बॉटम की जो रेनफोर्समेंट है ये वाला है, और
जो ये डॉटेड लाइन जा रही है चारों साइड से, ये है आपकी जो ये वाला स्लोप है, ये स्क्वायर होगा तो चारों साइड से इस तरीके से ढाल होगा, ऐसे ऐसे ढाल उस साइड को, ऐसे ही इस साइड को, और इसी तरीके से इस साइड को। तो जो स्लोप है उसी की वजह से ये डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट हो, इसको समझने में दिक्कत आ रही हो, आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको स्केल लेने में भी दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको स्केल लेने में एक बार और हेल्प कर दे रहा हूँ। स्केल लेने के लिए जैसे 2.2 मीटर है ये, अगर आप 1/10 का स्केल लेंगे तो 2.2 हमको, क्योंकि सेंटीमीटर में बनाना है तो हम सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करते हैं इसको। इसकी सारी डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि हम उसमें सेंटीमीटर में बनाते हैं। बनाने के लिए आप mm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अब ये 2.2 मीटर है, इसका मतलब 220 सेंटीमीटर। आप जब अगर 1/10 का स्केल ले रहे हैं तो वो हो जाएगा, जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल को छोटा कर लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, 1/10 एंड 1/20, इसमें ये वाला स्केल बड़ा है, ये वाला स्केल बड़ा है, ये छोटा स्केल होता है। जैसे जैसे ड्राइंग बड़ी होती जाएगी, स्केल भी बड़ा होगा, और ड्राइंग छोटी होती जाएगी वो स्केल छोटा होता जाएगा। यहाँ पे हम जब इसको बनाएंगे तो, क्योंकि 22 सेंटीमीटर काफ़ी होता है, तो हमें इसमें 1/20 का मतलब 20 का डिवाइड मारेंगे तो वो 11 रह जाएगी, तो वो थोड़ी और छोटी हो जाएगी। आप 11 सेंटीमीटर की आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इसी तरीके से फिर जो भी इसकी डायमेंशंस होंगी वो सारी ही डिवाइड होंगी जो भी आपने स्केल लिया। मान लेते हैं हमने 20 का स्केल ले लिया फाइनल, ठीक है। 20 का स्केल से हमें ये लग रहा है कि इसकी मैक्सिमम जो सबसे बड़ी डायमेंशन है, हम स्केल भी उसी अकॉर्डिंग लेते हैं जो इसमें सबसे बड़ी डायमेंशन है, उससे डिवाइड मार के अगर वो आपकी शीट में प्रॉपर बन रही है तो हम फिर उसी से ही वही स्केल फॉलो करेंगे, और उसी स्केल से हम फिर सारी डायमेंशंस को डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं हमने 20 ले लिया है, तो अब हम इस डायमेंशन से भी 20 का डिवाइड करेंगे। हम ये जो 70 है ग्राउंड लेवल की डेप्थ जो है, GL मतलब ग्राउंड लेवल, इसमें भी हम 70 में 20 का डिवाइड करेंगे। जो PL है, प्लिंथ लेवल है, इसमें भी हम एक को, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर में हम डिवाइड 20 का करेंगे। इसकी जो भी डायमेंशंस होंगी उन सभी डायमेंशन में हम डिवाइड 20 का करेंगे, और उसके बाद में ही आपकी जो ड्राइंग बन के आएगी वो बिल्कुल सही बन के आएगी, ठीक है। अब आप बना के देखिएगा इसको, कहीं भी आपको दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।